यूपी सरकार का बड़ा फैसला, ओमिक्रोन के खतरे के बीच रात्रिकालीन कर्फ्यू का आदेश 25 दिसंबर से लागू होगा। कानपुर में जीएसटी चोरी के मामले में इत्र कारोबारी हिरासत में, करीब 160 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा, पूछताछ जारी। हमीरपुर में एसपी की बड़ी कार्रवाई, सिविल ड्रेस में ट्रक मालिक बन ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाया अभियान, 4 ट्रक 2 कार पकड़ी, 8 लोग हिरासत में। जन विश्वास यात्रा में चित्रकूट पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का हुआ जोरदार स्वागत, कांग्रेस पर साधा निशाना। कानपुर में देर रात महापौर और पुलिस कमिश्नर का सड़कों पर भ्रमण, खुले में सो रहे लोगों को पहुंचाया शेल्टर हाउस।